नहीं देती, कुछ नहीं देती, खाली टीका लगा देती है, भजा देती है, एक आटे की थैली दे। क्या कहती है भजा के, क्या कहती है? जो कहती है जाओ एक आटे की थैली दे दे और कछु नहीं दे हमको। करौली जिले की रघुवंशी ग्राम पंचायत पर आंगनवाड़ी सेंटर नहीं खुलने की वजह से गर्भवती महिलाओं को किसी तरह का पोषण नहीं मिलता है, ना ही उनकी जांचें होती हैं। आंगनवाड़ी को भेजेंगे कैसे, बुलावे ही नहीं बे, हमारे बच्चे नहीं रहते नहीं रहे और नहीं बे, खाना आना अमन को ही नहीं देवे, टीका लगे तो अमन को ही नहीं देवे, ये बच्चा उनका देंगे वे खावे, कुछ नहीं देवे आंगनवाड़ी, ये परेशानी है। आपके छोटे बच्चे ये आंगनवाड़ी पे जाते हैं? नहीं जाते, तो वो कभी आंगनवाड़ी से सहयोग नहीं, सहायिका यहाँ नहीं आई आपके पास में सलाह देने? नहीं आती है, टीका लगाते है तीन वर्ष खाली, तीन टीका लगाओ साल में, तीन टीका नौ महीना पर लगा दे, एक एक महीना पर लगा दे, तीन टीका लगाओ। तो ये खून की कमी के लिए आंगनवाड़ी वाली ने आपको नहीं बताया क्या? नहीं बताया। तो आपकी जाँचें कहाँ पे हुई? तो आंगनवाड़ी पे क्यों नहीं कराई आपने जाँचें? आंगनवाड़ी पे कराई नहीं जाँचें। क्या कहती है वो? नहीं कहती, मैं वजन तोलती है, खाली एक टीका लगा देती है और कुछ नहीं करे। और क्या क्या देती है आपको वहाँ से? एक आटे की थैली देवे भाई। कितने दिन में? नौ महीना होगी, एक आटे की थैली दी। अभी आपके सात बच्चे, आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ये दिक्कत आती है, पानी भर गया था पेट में, अब पानी से पीछे नहीं, ना तो उठवे जाता, ना रोटी बने, ना सब्जी बने, कुछ नहीं बने, चक्कर आवे, कुछ नहीं बन पावे। हमारा समुदाय चाहता है कि आंगनवाड़ी सेंटर समय से खुले, वे गर्भवती महिलाएं, वे कुपोषित बच्चों को पूरा पोषाहार मिल सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।